हाँ जी 10:30। तो आई होप आपने पिछली वीडियो देख ली होगी और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 टू द पावर एन कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। ये क्वेश्चन करने में तो बहुत आसान है, पर इसका मीनिंग ही स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता। करना आ जाता है, मीनिंग क्या पता ही नहीं। क्या कहता है, चेक करो 6 की पावर एन क्या कभी 0 से एंड करेगा कोई भी नेचुरल नंबर एन के लिए। इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब है कि क्या 6 की पावर में अगर मैं डिफरेंट नंबर्स डालते जाऊं तो क्या कभी उसके लास्ट में 0 आएगा। देखिए, यानी मान लीजिए मैंने 6 की पावर एन है ना, अभी रफ वर्क है ये, अगर मैं 6 की पावर 1 रखूं, 6 की पावर 2 रखे 36, 6 की पावर 3 रखे 216, राइट। इसी तरह 6 की पावर 4 रखे, 6 की पावर 4 आता है 1296, 6 की पावर 5 रखे आई गेस 777 था अगर मैं गलत नहीं हूं। तो क्या इस तरह डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स रखने पर, अगर मैं 1 2 3 4 5 ऐसे रखते जाऊं, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि लास्ट डिजिट 0 आ जाए। तो देखो, इस पैटर्न को देखते हुए लग रहा है 0 आएगा, नहीं आ पाएगा, राइट। तो कौन से नंबर के एंड में 0 आएगा, ध्यान से देखना बेटा। अगर मान लो यही नंबर होता 20, 20 की पावर 1 आता, यस, 20 की पावर 2 400, 20 की पावर 3 8000, 20 की पावर 4 160000, 20 की पावर 5 एंड सो ऑन। तो एक बात नोटिस करो, इसमें और इसमें किस नंबर के एंड में हर बार 0 आ रहा है, ध्यान समझना। अगर ओरिजिनल नंबर यानी जैसा 20, अगर ये खुद 10 से डिविजिबल है तो इसके लास्ट में हर बार क्या आएगा, 0। चाहो तब कोई भी नंबर ले लो, लेट से 30 ले लो, 30 की पावर 1 30, 30 की पावर 2 900, देखो आते जा रहे हैं, नहीं आ रहा, 30 की पावर 3 27000 एंड सो ऑन, राइट। तो फिलहाल क्वेश्चन पे वापसी आते हैं। एक छोटा सा नोट है, क्या नोट, अ नंबर विथ पावर एन, अ नंबर विथ पावर एन कैन एंड विथ डिजिट 0, कैन एंड विथ डिजिट 0 ओनली व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 10, ओनली व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 10। आपके बुक्स और हो सकता है आपके टीचर्स आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखवाए, मैंने थोड़ा डिफरेंट वे में लिखवाया हुआ है। तो क्या कहता है, अ नंबर विद पावर एन, कोई भी नंबर जिसकी पावर एन है कैन एंड विद डिजिट 0, 0 से एंड करेगा कब, ओनली व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 10, जब वो नंबर खुद 10 से डिविजिबल होगा। यानी जैसा अभी हमने 20 का एग्जांपल लिया था, 20 10 से डिविजिबल है, राइट। बट क्या 6 के एग्जांपल में 6 10 से डिविजिबल था, नहीं। तो यही बात याद रखेंगे, क्या 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। अब इसका सॉल्यूशन है, 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 बिकॉज 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 10, 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 10। एक इसकी स्टेटमेंट ये है जो मैं लिखवाता हूं, और अब एक ऑल्टरनेटिव, तो इसके लिए भी नोट लिख लीजिए। अ नंबर विथ पावर एन कैन एंड विथ डिजिट 0
कैन एंड विद डिजिट जीरो इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन इफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इंक्लूड टू बोथ टू एंड फाइव. मतलब अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में टू और फाइव दोनों ही आएंगे सिर्फ तभी वो टेन सॉरी तभी वो जीरो से एंड करेगा. अब खुद देखो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, टू इंटू थ्री. क्या इसमें फाइव इंक्लूडेड है? नहीं, बिकॉज प्राइम फैक्टर या प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सिक्स does not contain 5, therefore 6 to the power n cannot end with 0. आपको जोन सा पसंद हो वो तरीका कर सकते, दोनों ही वैलिड है. इसी के ऊपर बेस्ड मैंने सैम स्पेशल क्वेश्चन लिया. क्या है show that 12 to the power n cannot end with digit 0 or 5. show करो कि 12 जो है 0 या 5 से end नहीं करेगा. common sense से वो सोच के बताओ वो कौन कौन सी टेबल है जिसके लास्ट में 0 या 5 आता है, सोच के बताओ. most probably आप सबका आंसर आ चुका होगा 5 के टेबल के हमेशा एंड में या तो 0 आएगा 5 आएगा, राइट? तो देखो यहां पर भी सेम पॉइंट है कि क्या 12 के लास्ट में कभी 0 या 5 आ पाएगा? नहीं. किसके में आते हैं? जो 5 के टेबल में आते हैं. बिकॉज 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 5. 12 5 से डिविजिबल नहीं है. 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर 12 टू द पावर एन कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5. सिंपल. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मेरे को बताना है टाइप्स ऑफ नंबर्स. तो आपका पॉइंट आ गया क्या टाइप्स ऑफ नंबर्स. हमारे कौन कौन से टाइप के नंबर्स होते हैं? सबसे पहला होता है हमारा नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. फिर सेकंड होता है मेरा होल नंबर. होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ये डिनोट होते कैपिटल W से. सी इंटीजर्स, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. इंटीजर्स में क्या आते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव होल नंबर्स. ध्यान रखना इंटीजर्स में और होल नंबर्स और नेचुरल में पॉइंट वाले नंबर्स नहीं आते, पॉइंट या फ्रैक्शनल. नेक्स्ट रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं. पी बाय क्यू, ध्यान रखना क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होगा. एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम्स. सर अब ये क्या चीज होती है को प्राइम? पी एंड क्यू आर को प्राइम. बेटा को प्राइम वो नंबर्स है जिनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो. यह भी मैं आपको आगे लिखवा दूंगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके एग्जांपल दूं, 2/3 -5/2 और इवन एन 3. क्यों? क्योंकि 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं. फिर आता है इरेशनल. इरेशनल क्या है?
सिंपल लैंग्वेज में बोलूं जो रैशनल नहीं है, यानी बेसिकली रूट वाला नंबर जो रैशनल नहीं है, नॉट रैशनल, यानी जो p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करे जा सकते। एग्जांपल में इसका रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर नहीं आएगा, रूट फोर क्योंकि टू हो जाता है मेरा। फिर लास्ट आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? रियल में सारे आते हैं, यानी रैशनल, रैशनल प्लस इरैशनल। अच्छा, मैंने एक चीज अभी बताई नहीं आपको, वो है कि रैशनल नंबर को किस अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं हम कैपिटल क्यू से। इरैशनल को हम डिनोट करते हैं, आपकी कई बुक्स रिप्रेजेंट करती है टी से, और आपकी एनसीईआरटी रिप्रेजेंट करती है आर माइनस क्यू से, इरैशनल की है। तो अगर आप इसे नहीं भी पढ़ रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं आर से है। रियल में सारे नंबर्स आते हैं, रूट भी इसमें आ जाएगा, पाई भी आ जाएगा, आपका माइनस 2.5 भी आ जाएगा, 1/2, 0, सब। आई होप यहां तक क्लियर हो। अब को प्राइम्स क्या होते हैं? मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा था को प्राइम, ये क्या चीज है सर? को प्राइम्स क्या है? जिनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो, यानी जिनका एचसीएफ 1 हो जाए, ठीक है, नंबर्स विद एचसीएफ इज इक्वल्स टू 1, वो नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। यानी एग्जांपल दूं, अगर मैं 2 और 3 कुछ कॉमन है 1 के अलावा? नहीं। 5 और 7, 5 और 6 कॉमन है? नहीं। बट अगर मैं आपको बोल दूं, अगर मैं आपको बोलूं इज 3 और 12 को प्राइम, हाँ जी, मेरा मन नहीं कर रहा क्वेश्चन का लिखने का, क्या 3 और 12 को प्राइम है? 3 और 12 को प्राइम्स, हाँ जी, क्या 3 और 12 को प्राइम है? तो आप क्या बोलोगे, दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 3 की, तो ये को प्राइम नहीं है, लिख ही देते चलिए, R3 और 12 को प्राइम नंबर्स। आंसर इज नो, क्यों? क्योंकि उनके बीच कुछ कॉमन क्या है? 3 है। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट, अब आएगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या चीज है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, सिंपल लैंग्वेज में इसे हम बोलते बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन। आप लोग थोड़ा स्पेस छोड़ के चलना, मैंने अभी इसकी डेफिनेशन लिखवानी है, बट उससे पहले कुछ और पॉइंट आपको जानने जरूरी है कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या? वो नंबर्स जो किससे डिविजिबल हो, 1 से और खुद से, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, वो नंबर जो 1 और खुद से ही डिविजिबल हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। एग्जांपल 2 एक प्राइम नंबर है, 1 को हम प्राइम नंबर नहीं बोलते, ध्यान रखना 1 प्राइम नंबर नहीं है। 3 प्राइम है, क्या 4 है प्राइम? नो, क्योंकि 4 किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है। और क्या 9 है प्राइम? सेकंड, क्या 9 प्राइम है? नहीं, 9 भी प्राइम नहीं है।
वापसी आते हैं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं जो अपने अलावा किसी और के टेबल में आ जाए उसे हम कंपोजिट बोलते हैं, यानी नंबर्स या दोज नंबर्स विच हैव मोर देन वन प्राइम फैक्टर इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी वो नंबर्स जिनके प्राइम फैक्टर्स करने पर एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर हो। ध्यान समझते कैसे, एग्जांपल मैंने बोला लेट्स से 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 2 × 2 कितने प्राइम फैक्टर है, 3 है, 3 कौन से, 1 2 3 3 2 है ना, तो क्या हुआ कंपोजिट। अगर मैं बात करता 7 की तो 7 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 7 ही होते हैं, या 7 × 1 बोल लो, ठीक है, तो क्या हुआ कितने प्राइम फैक्टर है, कितने प्राइम नंबर है, सिर्फ एक है, तो ये कंपोजिट नहीं है। अब कुछ नोट्स है ध्यान रखना, क्या सबसे पहला, वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो वन प्राइम है ना ही कंपोजिट है, इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सेकेंड, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, कुछ सोचो, 2 इज द स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर, एंड ओनली इवन प्राइम नंबर, खुद सोचो 2 के अलावा कोई और प्राइम नंबर है जो इवन भी हो, नहीं। अच्छा आप इसे पूछते हैं, सोचो अपने माइंड में सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन सा है जो ऑड भी हो प्राइम भी हो, आप झट से बोलोगे उसे 3 इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। अच्छा एक सवाल और, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, आप झट से बोलोगे सर 4 क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आया था CBSE 2019 के अंदर, कि HCF निकालना था स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है, कुछ बताओ, 1 ना तो प्राइम ना कंपोजिट, 2 सबसे छोटा है, 3 सबसे छोटा ऑड प्राइम है, 4 सबसे छोटा कंपोजिट है। ज्यादातर बच्चों का आंसर आएगा सर 5, नो 5 तो प्राइम है, मैंने पूछा कंपोजिट, ऑड और कंपोजिट, तो 9 इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। वापसी आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसकी डेफिनेशन आ जाती है कई बार, आई मीन डेफिनेशन का यूज करके आ जाता है, पहले एक बार डेफिनेशन आई थी 2 मार्क्स की। तो क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज product of its prime and this factorization is unique and this factorization is unique ki har composite numbers ko hum prime factors ke ya main bolu prime factors ka factorization karke dikha sakte hain। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी आपको बोला था 8, लेट्स से मैं बोलता हूँ 12, क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3 राइट, तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, सिंपल लैंग्वेज में प्राइम फैक्टराइजेशन कह रहा है। ध्यान रखना पॉइंट क्या आया था,
ये यूनिक, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, यानी ऐसा नहीं होगा कि 2 × 2 × 3 करने पर कुछ और आंसर आ जाए 14, ऐसा नहीं है, हर बार 12 ही आएगा, बस वो ये पॉइंट कह रहा है। अब क्वेश्चन पे वापसी आते हैं हम लोग। एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों है, 7 × 11 × 13 + 13। पहले आप लोग के लिए एक अलग क्वेश्चन है, अगर मैं आपको बोलूं बेटा 20 क्या कंपोजिट है, आप झट से बोलोगे है सर। चलो अच्छा जरा अब बताना, 21 कंपोजिट है, आप बोलोगे है सर 3 और 7। अच्छा सर अब बताना 21 + 2 कंपोजिट है, 21 + 8, चलो थोड़ा सा और इसको इजी कर दिया, क्या हो जाते हैं 29, क्या 29 कंपोजिट है, नो राइट, क्योंकि 29 प्राइम है, ये हिंट दे दिया था मैंने आपको। अब इसी तरह क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन करना है ये कंपोजिट क्यों है, कंपोजिट कब होगा अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो दो तरीके हैं, पहला इसको नॉर्मली सॉल्व कर दो, आओ 7 × 11 ये एक काम करते हैं, 7 × 13 91 91 × 11 विच इज 1001 + 13 1014 1014, वैसे देख लो इवन है, और इवन क्या होता है कंपोजिट, बट फिर भी इसके हमारे को फैक्टर्स दिखाने हैं, 507 यहाँ बच्चा बहुत मिस्टेक करता है, 3 169 13 13, तो क्या बन गया 2 × 3 × 13 × 13, क्या ये कंपोजिट है, यस, रीजन क्या दोगे, बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन इंक्लूड मोर देन वन प्राइम फैक्टर, मोर देन वन प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कितने हैं, 1 2 3 4, देयरफॉर इट इज कंपोजिट, तो ये क्या हो गया बेटा कंपोजिट। अब इसी का एक ऑल्टरनेटिव वे, ऑल्टरनेटिव क्या है इसका, 7 × 11 × 13 + 13, यहां से कुछ कॉमन आ सकता है, देखो दोनों दोनों में कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है 13, तो मैं 13 कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा इसमें, यहाँ बचेगा 7 × 11 और यहाँ क्या बचेगा प्लस 1, 13 77 + 1 13 × 78। वैसे तो अगर आप देखो एक से ज्यादा फैक्टर्स है, बट फिर भी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 78 के प्राइम फैक्टर्स करो, 2 39 3 13, 2 × 3 × 13, आगे वापसी वही, बाकी आगे स्टेटमेंट दोबारा कॉपी पेस्ट। ये स्टेटमेंट दोबारा कॉपी पेस्ट हो जाएगी, यहाँ पर ये था सेकंड पार्ट, आपने खुद ब खुद करना है। तो पहली एक्सरसाइज आपकी डन होती है, इसके रिमेनिंग पार्ट्स या एग्जांपल्स आप अपने आप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।